हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा। जी हाँ, ये छठ पूजा का पहला अर्घ का है, तो पहले अर्घ की शुरुआत होती है प्रसाद बनाने से। जी हाँ, दिनकर दीनानाथ के लिए प्रसाद बनाया जाता है और ये वही आटा है जो नहा खाए के दिन गेहूँ को सुखा के पिसवाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मौसी जी मिला रही हूँ और मैं भी मिला रही हूँ, और यहाँ पे मम्मी जो है वो गुड़ सान रही हैं। जी हाँ, गुड़ को तोड़ रही, मीठा को तोड़ रही हैं, और उसके बाद उसे पानी में पूरी अच्छी तरह से घोलेंगी और उसके बाद वो मिलाएंगी, देंगी आटा में। मौसी जी यहाँ पे दो लोग मिल के, कभी भी दो तीन लोग मिल के अच्छे से प्रसाद बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बना रही मौसी जी, मिला रही हैं और फिर मम्मी बैठ जाएंगी छानने के लिए। उसके बाद मम्मी जब छान लेती हैं, उसके बाद मैं भी बैठती हूँ छानने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी तरह से मम्मी मौसी जी जो हैं वो प्रसाद के लिए गुड़ मिला ली हैं आटा में, और अब इसे ठेकुआ छानेंगी। तो ठेकुआ जो है वो लकड़ी के जो साँचा होता है उसी पे होता है। यहाँ पे देख सकते हो मौसी लकड़ी के साँचा पे ठोक रही हैं और मम्मी जो है वो चूल्हे को प्रणाम कर रही हैं। जी हाँ, बहुत जगह चूल्हा पे बनाया जाता है, मेरे यहाँ गैस चूल्हा पे, और अब सब कोई बनाते हैं गैस चूल्हा पे। तो यहाँ देख सकते हो मम्मी जो है वो छान ली हैं पहली बार, और अब मैं भी बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत सारा प्रसाद बनाना रहता है। तो मम्मी के बाद मैं भी बैठ गई थी छानने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं भी छान रही हूँ ठेकुआ को, मौसी जी जो है वो ठेकुआ गढ़ रही हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ बिहार में, जी हाँ, छठ का प्रसाद बनता है और ये घी में ही बनता है, बहुत जगह सरसों के तेल में बनता है, और सरसों का तेल नहीं तो घी, यही दो चीज़ का यूज होता है। यहाँ पे देखो फाइनली प्रसाद बन गया है और अब मैं आ गई हूँ, जी हाँ, डाला सजाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फल को धोऊंगी। तो यहाँ पे जो है इसको धो के रखती हूँ और दौड़ा है वो, और यहाँ पे देख सकते हो ये फल है। तो फल को भी मैं एक एक करके धो लूँगी, देख सकते हो कैसे मैं धो रही हूँ, सारे फल को धोना है। और उसके बाद नारियल, बहुत हर तरह का जो भी इस सीज़न में फल मिलता है वो सारे फल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मेरा जो फल है वो धुला गया है, और अब मैं सूप को धो के और इसमें अर्पण लगा रही हूँ। जी हाँ, पिठार भी बोल सकते हो, ये लगा रही हूँ। उसके बाद इसमें सिंदूर लगाऊंगी, और जोड़ा होता है, दो दो होता है, तो एक सूप रहता है और एक मम्मी थाली करके देती हैं, तो दो दो सूप हो जाता है। तो तीन लोग हम लोग करते हैं, मैं, मौसी जी और मम्मी, तो दो तीनों आदमी एक साथ करें। तो यहाँ पे देख सकते हो नारियल में मैं अर्पण लगा रही थी, और सिंदूर दोनों साथ में लगाया जाता। तो सबसे पहले मैं अर्पण लगाई और फिर एक एक करके मैं बाद में सिंदूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये घाघल है, घाघल में लगा रही हूँ, और आप देखो फाइनली मैं सब में लगा दी हूँ पिठार, अब सिंदूर मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद मम्मी आ जाती हैं दौड़ा को अच्छे से तैयार करने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो ये आदि है, हल्दी है, ये सब चढ़ता है, ये शक्करकंद है, और हम लोग के यहाँ अलुआ बोला जाता है, मिश्री कंद भी बहुत लोग बोलते हैं, और जो फल देख सकते हो ढेर सारा फल भी रहता है। तो आज जिस घर में छठ होता है वो घर एकदम लगता है कि आपके घर में शादी वादी हो रही है। तो बिहार में छठ पूजा का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है, और बिहार में बहुत अच्छा से लोग मनाते भी हैं, यहाँ देख सकते हो। इसी तरह से मैं सारे फल में सिंदूर लगा दूंगी, पिठार लगा ली हूँ, और अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से अच्छे से लगाना रहता है। एक एक फल में आपको सिंदूर और जो अर्पण होता है वो लगाना होता है। और मेरा फाइनली लग चुका है, सारा तैयार कर ली हूँ मैं, और अब मम्मी आ रही हैं। तो देख सकते हो मम्मी क्या क्या करेंगी, एक एक फल को हटा के सिंदूर और पिठार लगाना रहता है। और यहाँ पे फाइनली देख सकते हो डाला जो है वो सज गया है, मम्मी सजा दी हैं, और इस पर अब कपड़ा ढका के ले जाएगा घाट किनारे। तो यहाँ पे मैं हूँ, देख सकते हो, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे मैं पैर रंग रही हूँ। यहाँ कुंज को देखो, मैं अपना कपड़ा निकाल रही थी तो कुंज अंदर में घुस गया था, और यहाँ पे कुंज देख रहा है टीवी, और ये भी रेडी हो गया है घाट पे जाने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ
कुंज की तरह से तैयार हुआ है और ये है दौरा, अब निकल रहा है घर से जी हाँ गंगा किनारे छठ घाट जाने के लिए। और यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, देख सकते हो ये हमारे छोटे वाले दोनों देवर जी हैं, वो जा रहे हैं लेके दौरा, सर पे लेके जाया जाता है। ये दोनों लोग पहले जाएंगे फिर बाद में हम लोग घर से निकलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये घर से निकल गए हैं, पहले ही जाया जाता है दौरा, सबसे पहले दौरा निकलता उसके बाद ही घर के सदस्य जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो मम्मी मुझे सिंदूर जोड़ा मांग टीक रही हैं और यहाँ पे मम्मी मुझे खोइशा भी दी है, खोइशा लेके जाया जाता है गंगा किनारे। यहाँ मम्मी भी तैयार हो गई हैं, मौसी भी तैयार हैं और फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं घाट किनारे जाने के लिए, देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी का वेट करें जी हाँ, हम लोग ई रिक्शा किए क्योंकि फोर व्हीलर को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रस रहता है, तो छोटा गाड़ी ई रिक्शा होता है तो आराम से निकल जाएगा वो। तो वही यहाँ पे देख सकते हो कुंज को, कुंज अपनी दादी की गोदी में बैठा हुआ है। और उसके बाद आपको रोड का भी दिखा रही हूँ व्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो रोड किनारे सारे फल वल लगे हुए हैं और बहुत लोग जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो मंडी था तो सोची मैं क्यों ना आप लोगों के साथ इसका व्यू शेयर करूं। और यहाँ पे देख सकते हो पर्वतीन भी कुछ पैदल भी जा रहे हैं, यहाँ पे डाला लेके दौरा लेके जा रहे हैं सब गंगा किनारे जी हाँ छठ घाट जा रहे हैं, देख सकते हो बहुत ही भव्य लगता है। और छठ किनारे भी दिखाऊंगी कि कैसा दृश्य लगता है। और फाइनली अब हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और पटना का जो छठ पूजा होता है वो बहुत ही नामी होता है क्योंकि पटना में गंगा मैया है और गंगा मैया का जो छठ है वो बहुत ही फेमस है बिहार का। कभी भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, ज़रूर देखिएगा पटना का छठ। और ये आर्मी का आर्मी कैंप है जहाँ पे हम लोग जाते हैं हर साल छठ घाट, और ये मेन द्वार जहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। और भीड़ तो आप देख ही सकते हो, ये कुछ भीड़ नहीं है लेकिन घाट पे जब पहुँचूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिए और देखिए। यहाँ देख सकते हो भीड़ सल, और ये देखो ये है पटना का छठ पूजा और छठ घाट का भीड़। गंगा जी को आप लोग प्रणाम कर लीजिए। और दिनकर दीनानाथ, बिहार में ही एक ऐसा पर्व है छठ पूजा जहां डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम अर्घ दिया जाता है। जी हाँ ये सिर्फ बिहार में ही ऐसा है और कहीं नहीं है। और लोक आस्था का ये जो पर्व है बहुत ही शांति, प्रणाम कर लीजिए दिनकर दीनानाथ को, बहुत ही शांति से बहुत ही अच्छे से होता है। और यहाँ पे जो है दौरा आ गया है देख सकते हो मेरे ब्लॉग में। और अभी जब भी लोग जाते हैं तो थोड़ा देर बैठते हैं जी हाँ, घाट सेवा जाता है तो वहाँ घाट को सेवते हैं, यहाँ पे दौरा को देख रहे हैं और दीप जलाया जाता है। यहाँ पे मेरी ननद जी खड़ी हैं और भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हो। फिलहाल मैं आ गई हूँ, गंगा जी में प्रवेश कर ली हूँ, सबसे पहले दिनकर दीनानाथ को अर्घ दूंगी, उसके बाद मैं सूप लेके फिर मुझे भी अर्घ देना होता है, मम्मी को भी मौसी को, तीनों लोग देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों लोग एक साथ खड़े हैं और यहाँ पे फिलहाल मेरी ननद जी आ गई हैं। अब मम्मी को जोड़ा मांग टीकेंगी और वो हाथ में अर्पण सिंदूर चावल और फूल दिया जाता है, अक्षत और फूल दिया जाता है जो कि वो कर रही हैं, विधि देख सकते हो आप लोग। और यहाँ देख सकते हो गंगा जी है और यहाँ पे जोड़ा मांग टीक रही है मेरी ननद जी, मैं भी आ गई हूँ। तो अब वो मुझे भी वही खोइशा में अर्पण लगाएंगी, सिंदूर अक्षत फूल ये देंगी, देख सकते हो। मैं सोची क्यों ना एक एक चीज़ आप लोग को बताऊं कि हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा में कैसे क्या होता है, तो वो सारा चीज़ डिटेल से आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोग को कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मैं 2 साल से अब कर रही हूँ तो कुछ भी मैं बता सकती हूँ, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे देख सकते हो जोरा मांग वो मुझे टीक दी है और अब लेकर वो सूप आएंगी। जी हाँ, सूप जो होता है जो आप लोग देखे हैं घर पे, मैं सजा रही थी, फिलहाल यहाँ देख सकते हो सिंदूर करी है, फिर मौसी जी को यहाँ पे करी है। तो हमारे यहाँ कोई भी जो थी वो, जो भी सुहागन थी, जो भी लेडीज थी वो छठ कर रही थी। तो निशा जी मेरी ननद जो है वो दे रही है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आई मिस कुंज के पापा आ गए हैं मुझे अर्घ दिलाने के लिए। तो वो देख सकते हो वो अर्घ मुझे दिला रहे हैं, और 5 बार परिक्रमा किया जाता है, सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद गंगा जी में भी अर्घ मिलाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो मैं 5 बार राउंड राउंड कर रही हूँ, और ये मुझे दूध दे रहे हैं, दूध से भी और जल से भी, गंगा जल से भी अर्घ दिया जाता है। और अब जाके हमारे जो देवर जी हैं वो मम्मी को अर्घ दिलवाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो मम्मी को भी अर्घ दिला रहे हैं, और अब मेरा बेटा आ गया है जो कि मौसी जी को अर्घ दिला रहा है अपने चाचों के गोदी में, और मैं भी खड़ी हूँ कि थोड़ा वो भी दे दे। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो सूप रखा गया है अर्घ दिला के, और यहाँ पे जो है मेरी ननद जी वो पालट धो रही हैं। जी हाँ, जो पर्वतीन कपड़ा पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, उनको पालट बोला जाता है, तो पलटा भी बोलते हैं, पालट भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे कर रही हैं, धो रही हैं। पहले होता था कि बहुत लोग जो भी जाते थे घाट पे वो छठ पर्वतीन का कपड़ा धोने के लिए, पालट धोने के लिए मांग मांग के धोते थे, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना होते जा रहा है तो ये सब थोड़ा सा उठते जा रहा है। तो जो भी फैमिली मेम्बर हैं वही धोते हैं और कोई नहीं ये करता है। और यहाँ देख सकते हो फिलहाल मैं, अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो मम्मी जो है वो अच्छे अच्छे आँचल मेरे सर पे रख रही हैं, और ये रास्ते का व्यू है आते वक्त का। यहाँ पे देख सकते हो सब घर से, सब घाट से अब अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम तो हो ही गई थी, 6 बज रहा होगा। जी हाँ, शाम के 6 बजे का ये व्यू है, देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्ट मंदिर। तो फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए, फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देख सकते हो छठ पूजा ब्लॉग है, और ये पार्ट 1 है। यहाँ पे कुंज की मस्ती देख सकते हो, रिक्शा पे वो मस्ती कर रहा था। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर। जी हाँ, मंदिर में हम लोग पूजा अच्छे से पूजा कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि शाम को ही हम लोग पूजा कर लेते हैं, सुबह में डायरेक्ट घर आ जाते हैं, तो एक तरह से अच्छा भी लगता है। और बहुत सारे लोग देख सकते हो शाम को पूजा कर रहे हैं मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में सारे लोग चले जाते हैं, बगल में ही हम लोग का मंदिर है। और यहाँ पे तुलसी माता को भी मैं पूजा कर रही हूँ, देख सकते हो तुलसी मैया को। और यहाँ ये जो है हवन है, मंदिर में ही हवन हो रहा था, तो सारे लोग इसमें हवन धूप दीप दे रहे थे। और फिलहाल वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब घर आ गए। और अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, मिलते हैं छठ पूजा ब्लॉग में।